सो so, हेगा चालर भाई तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज हम लोग अपने पुराने वर्ल्ड में भाई वापस जाने वाले हैं मतलब ये वर्ल्ड ना एक टाइम पे यार काफी ज्यादा पॉपुलर था मैं जो भी वीडियो डालता था ना आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आती थी और ये वर्ल्ड यार मेरे से डिलीट हो गया था पर फाइनली मेरे को आज मिल चुका है तो आज हम लोग सालों बाद इस वर्ल्ड में जाने वाले हैं और भाई सारी चीजें देखने वाले हैं गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसलिए को पूरा देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तो फटाफट से सिंगल प्लेयर पे करते हैं एंड ये रहा अपना बीबीज लाइव वर्ल्ड तो मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया एंड भाई ये लोड हो रहा है और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने भाई बहुत ज्यादा पुराने वाले वर्ल्ड में किस किस को याद है भाई कमेंट करके बताओ भाई बहुत ही सही मतलब ये वाला वर्ल्ड चल रहा था फिर अचानक से भाई सारी फाइलें डिलीट हो गई और नया वर्ल्ड बनाना पड़ा पर ये मेरा सबसे पुराना वर्ल्ड है और तुम लोग याद देख रहे हो गाइस यहाँ पे विलेजर्स घूम रहे हैं ओके okay, तो हम लोग एक एक चीज को भाई अच्छे से देखने वाले हैं कि तुम्हारे भाई ने यार पहले क्या चीजें बनाई थी एंड पुरानी याद एकदम ताजा होने वाली है गाइस इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना ओके okay, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से बाहर जाके देखने वाला हूँ ये रहा अपना फाइव स्टार होटल जो मैंने बनाया था एंड एक चीज ना मैं पहले बहुत ज्यादा करता था टोर्चे में बहुत ज्यादा यूज करता था हर एक जगह तुम लोग देख रहे हो टॉर्चे मतलब ये फाइव स्टार होटल नहीं लग रहा है टॉर्चों का घर लग रहा है पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक टॉर्च टॉर्च मैंने यहाँ पे लगा रखी है अंदर चल के भी देखने वाला है एंड ये गोल्ड की मेरे प्लेटें लगाई थी एंड उस टाइम पे भाई जो भी चीजें मैं करता था ना भाई बहुत मजा आता था ओके अंदर मैंने लेटर भी लगा रखे भाई ये तो मेरे को ये क्या है ओके ये बालकनी टाइप मैंने बनाई भाई पता नहीं क्या क्या बनाता था मैं सच्ची में यार मतलब बहुत ओपी ओपी बिल्ड करता था देखो यहाँ पे गेट लगा रखे हैं ऊपर जाने का भी रास्ता मैंने बना रखा है जा सकते हैं ना ऊपर ओके okay, जा सकते हैं बहुत सही अभी अपन लोग भाई सर्वाइवल में ही है अभी मैं आ चुका हूँ भाई काफी ऊपर बालकनी में एंड यहाँ से मैं नीचे ना गिर जाऊँ ओके यहाँ देखो विलेजर्स घूम रहे हैं वह वो रहा एनिमल फार्म वाला एनिमल फार्म भी ना यार काफी ज्यादा पॉपुलर था एंड ऊपर देख रहे हो अपन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है नेदर पोर्टल पूरा बना रखा है एंड उस साइड में पता नहीं मैंने क्या क्या बना रखा है मेरे को खुद याद नहीं है ये रहा अपना सबसे पहला भाई कासल जिसको बनाने में मेरे को दो तीन दिन लगे थे क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था कि यार कैसे कैसे बनाना है तो मैंने धीरे धीरे करके दो तीन दिन में इसको कंप्लीट किया था पर भाई आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे यार पुरानी चीजों को देखकर ना मजा आ रहा है भाई मजा आ गया और अभी तो बहुत कुछ है मेरे को फाइलें बहुत सारी डालनी पड़ेगी फिर एक एक करके ना सारा पूरा का पूरा वर्ल्ड आ जाएगा मैं तो सोच रहा हूँ कि यार इसी वर्ल्ड में अपन लोग कंटिन्यू करते हैं क्या लगता है आप लोग को कॉमेंट करके बताओ अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने सही सपोर्ट दिखाया ना तो अपन लोग इसी वर्ल्ड में सारी चीजें डाल के ना भाई मतलब एकदम पुरानी तरीके से शुरू करेंगे एकदम बढ़िया बिल्ड से यहाँ पे और इस साइड में कहीं विलेज भी था ना एक मेरे को जितना याद है कि यहाँ पे एक विलेज था चलो देखते हैं शायद वो दूसरी साइड में होगा फटाफट से चलते हैं मेरे पास है क्या क्या चीज ओके अभी मेरी इन्वेंट्री में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पास हुए हैं तो ये अपने कासल का बड़ा सा गेट था ये वाला गेट मैंने इसलिए लगाया था मेरे को याद है रेट बहुत ज्यादा होती थी, थी उस टाइम पे यहाँ ओके तो गाइज ये रहे अपने विलेजर्स एंड यहाँ तुम लोग देखो मेरा जो ये ऑटोमेटिक फार्म है ना ये काम कर रहा नहीं कर रहा मेरे को नहीं पता एक बार ट्राई करते हैं भाई एक सेकेंड ओ भाई अभी भी चल रहा है अभी भी चल रहा है गाइस अभी भी चल रहा है जब मैंने ये बनाया था ना भाई क्या बढ़िया चला था यार मैं तो सच्ची में एक दिन में तीन चार लाख व्यूज आ गए थे इस वीडियो में भाई बहुत ओ चला था ये था भी काफी ज्यादा तगड़ा एक सेकंड इसके अंदर सामान आ रहा है क्या अभी ओके आ रहा है सामान भाई पहले तो मैं जो भी बिल्ड करता था, था ना छोटी छोटी चीजें मस्त बनाता था, था सारी थोड़ा सा खाना ले लेते हैं क्योंकि अभी हो सकता है खाने की जरूरत पड़ जाए अपने को ओके तो कोई ये रहा अपना एनिमल फार्म ये ये क्या कर रहे हैं भाई मैंने इसको देख लिया है ये भड़क गया आजा 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 मार ले आजाजा मार ले आजा।, आजा मार ले मैंने इसको भड़का दिया देखो मैंने इसको भड़का दिया आजा तो निपटा दिया भाई आयरन कलर में निपटा दिया ओके तो मैंने ये एनिमल फार्म बनाया था एंड ये मैंने विलेजर टाउन बनाया था मतलब विलेजर हॉल होता है जो शायद वो बनाया था मैंने जिसमें मैंने नीचे इनके बेड वगैरह लगाए थे भाई कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ कितना अंधेरा हो रहा है ओके मैंने यहाँ पे इन सबको जॉब वगैरह दी थी इनके पास जॉब है भी या हट गई एक मिनट और नहीं है नहीं अभी इनके पास कोई जॉब नहीं है पहले यहाँ पे इन सबके पास जॉब थी एंड ऊपर भी मैंने एक और फ्लोर बनाया था ओके हाँ एक और ऊपर फ्लोर बनाया था जिसके अंदर देखो इस बंदे के पास अभी भी जॉब है Okay, सारी चीज मैंने तुम्हें आजाद कर दिया भाई जाओ भाई बाई टाटा तुम लोग जाओ अपनी जी लो अपनी जिंदगी मैंने तुम्हें आजाद कर दिया ओके okay, तो सबसे पहले अपने मॉडर्न हाउस में चलते हैं ये मेरा सबसे पहला मॉडर्न हाउस है तो इसके अंदर चलते हैं भाई सारी चीजें देखकर ना मजा आ गया मैंने छोटा सा पूल बनाया था एंड यार लावा देखो ये देखो क्या क्या करता रहता था, था यार स्टार्टिंग में मतलब भाई जो भी मेरे मूड में आया बस बना दिया यार ओके नीचे मैंने कुछ चेस्ट रखी थी ना इस साइड में पता नहीं कहाँ गायब हो गई यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी कुछ नहीं है ओके okay, वो भाई देखो सारी चेस खाली कैसे है मुझे नहीं पता गाइस खाली कैसे है भाई ये देख रहे हो रेड एंड का कॉम्बिनेशन क्या तगड़ा है यहाँ पे मैंने अपना बेड लगाया था बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेड यहाँ टॉर्च लगाओ यार पहले मेरे टॉर्च ऐसा था टॉर्चों से प्यार था भाई हर जगह टॉर्च 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 भर देता था मैं पर बढ़िया था उस टाइम पे भी ओके ऊपर के साइड चलते हैं यहाँ पे लेटर मैंने लगाया था ओके okay, तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं ऊपर मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल बना रखा है और क्या क्या बना रखा है रखे कोई खुद याद नहीं है ओके okay, ये नेदर पोर्टल है जिससे हम लोग अंदर जा सकते हैं मैं अंदर नहीं जाने वाला एंड ये अपना एक और कासल है ये वाला कासल मैंने बहुत लेट बनाया था बट ये मेरा सबसे पहला कासल है तो अपन लोग इसके अंदर चलेंगे और मैं ना यहाँ से सीधे जंप मारने वाला हूँ पानी के अंदर ये मैंने फिलहाल इसीलिए बनाया था यहां से जंप मारने के लिए देखो ये फुल शॉर्ट कर देखो कैसे जंप मार के नीचे आ गया मजा आ गया भाई तो अपन लोग फाइनली अपने पुराने कासल के अंदर जाने वाले और भाई क्या जॉइंट मैंने बनाया यार सच्ची में भाई दो तीन दिन, दिन लगने वाली बात है भाई देख लो कितना तगड़ा बना रखा है और मेरे को ना उस टाइम इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन से ब्लॉक से बनाना चाहिए तो पूरा का पूरा अपन लोग ने कोवल स्टोन से ही बना दिया देख लो बहुत कोवल स्टोन का यूज किया है ओ भाई कितना ज्यादा बड़ा है अंदर से यहाँ पे एक चीज मिसिंग है किस किस को याद है यहाँ पे बताना कॉमेंट करके यहाँ पे एक चीज मिसिंग है अगर तुम लोग को याद है तो कॉमेंट करके बताओ बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है और अपना कासल देख रहो, क्या बढ़िया लग रहा है यार क्या है अगर अब मैं ऐसा कासल बना रहा भाई बहुत टाइम लगेगा बहुत ही ज्यादा टाइम बट पहले की तो यार कुछ बात ही अलग थी भाई क्या बढ़िया है मतलब मजा आ गया भाई मजा आ गया देखकर तो अभी हम लोगों ने यार अंदर की चीजें तो देख ली अभी मैं जा रहा हूँ यार बाहर की चीजें देखने ये अपना एक और नया कासल मतलब नया नहीं है भाई पुराना वाला ही कासल है बट क्या सही बनाया था यार मैंने यहां देख रहे हो इसको बनाने में भाई सच्ची में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लग गई थी एंड अंदर चलते हैं ओके भाई मैंने बहुत ज्यादा लांटेनिया लगा रखी है अंदर कुछ भी नहीं है देखो ओ भाई क्या करता था मैं यहाँ देख रहे हो भाई ऐसा लग रहा है वो मंदिर वंदिर नहीं होते पूरी तरफ टॉर्चेस लालटेन लानी भर रखे है भाई तगड़े करके बाहर से कितना ज्यादा जाइंट है देख रहे हो बहुत ही ज्यादा जाइंट है इसका डिजाइन में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था एंड ये रहा अपना भाई यहाँ पे आयरन फार्म है पता नहीं आयरन फार्म ही आई है एंड ये पता नहीं क्या बना रखा इतना लंबा चौड़ा सा मैंने पता नहीं यार उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आती थी भाई ऐसे ऐसे बिल्ड करना है मतलब अपने आप ही आइडियाज आते थे बिना देखे मैं पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते रहता था एंड इस साइड में अपना आयरन वाला फार्म है जिससे अपने को आयरन मिलते हैं यहाँ मैंने जॉम्बीज वगैरह डाल रखे हैं वो देखो आयरन वो देखो आयरन को लम कहाँ फंसा हुआ है एंड बहुत सारी चीजें का अभी भी मिसिंग है शायद मैं और फाइल्स डालूंगा तो पूरा का पूरा अपना वर्ल्ड ही आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या चीज़ है ऊपर चल के देखना है पहले उसको भी एक बार देख कर आते हैं कुछ तो मैंने ऊपर बना रखा है मेरे तो को याद नहीं है बट क्या बना रखा है ओके ओके मेरे को लगा ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं बनाया हद भाई ये देख रहे हो मतलब ऐसा भाई माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ रहा मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर बुर्ज खली बना रखा है ना बुर्ज खली कितना लंबा सा टावर बना रखा है भाई, हद्द यार। वे कितना ओके तो यहाँ से अपना पूरा का पूरा एक छोटा सा टूर अपने को मिल जाता है अपने पूरे के पूरे भाई वर्ल्ड का एंड इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है बहुत सारी चीजें तो मैं काफी कुछ डालूंगा मतलब तो काफी सारी फाइलें डालूंगा ना तो सारी चीजें एकदम से आ जाएंगी फिर अपन लोग वो भी देखने वाले हैं एंड वहाँ क्या चीज मैंने बनाई थी भाई पता नहीं मैं बनाता क्या क्या रहता था ओके यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं ये मैंने कुछ तो बनाया था इस बट मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या चीज थी अगर आप लोग को पता है मेरे को कमेंट करके बताना कि ये मैंने क्या बनाया था मेरे को सच्ची में याद नहीं आ रहा है कि भाई चीज़ क्या थी बाकी अभी अपन लोग चलते हैं भाई यहाँ से नीचे और मैं यहाँ से नीचे जम मैं जम मारने वाला हूँ मैं क्रिएटिव में जाके जंप मारने वाला हूँ ओके तो गाइज फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं फटाफट से आते हैं अपन लोग सर्वाइवल के अंदर बाकी आप लोग पता नहीं कि यार आप लोग को कैसा अपना पुराना वर्ल्ड का टूर लगा भाई मैंने आप लोग को पूरा टूर देने की कोशिश की है बट काफी सारी चीजें इसमें मिसिंग है मैं बहुत जल्दी सारी चीजें डालने वाला हूँ एंड हाँ बहुत जल्दी मैं माइनक्राफ्ट के वीडियोस भी लेकर आऊंगा तुम लोग के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया हो सकता है कि हम लोग पुराने टाइप के वीडियोस बनाए जैसे पहले बनाते थे तो कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोग को भाई वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए बाकी बस यार मैं तुम तो लोगों से मिलता वीडियो में तब तक के लिए बाय और हाँ लाइक करना मत भूलना और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर देना